मानवता इतिहास को नया रंग दिया गुरु रविदास जी ने। सदगुरु श्री रविदास महाराज जी दबे कुचले साधनहीन लोगों को आजाद करवाकर सम्मान पूर्व जीवन जीने की कला सिखाई गुरु रविदास जी ने। सूझबूझ रखने वाले खोजकर्ता, इतिहासकार, क्रांतिकारी, महान विद्वान थे गुरु रविदास जी। यह युग अंधकार में था। यह युग राजसत्ता हासिल करने के लिए अति की धक्केशाही की जाती थी। राजसत्ता का विस्तार तथा सुरक्षा जोर जबरदस्ती तथा तलवार के जोर पर की जाती थी। जब ऐसे तरीकों से राजसत्ता हथियाई जाए तो राजाओं का जालिम होना स्वाभाविक ही था। सभी राजा सत्ता के नशे में चूर थके शाही के बल पर जनता को दबाते थे। वहीं तथा कथी धर्म ठेकेदार दबे कुचले लोगों हर तरह का जुल्म करना अपना जन्म से अधिकार समझते थे। वह वर्ण व्यवस्था के लागू करना धर्म का मुख्य तथा मजबूत हिस्सा मानते थे। इसी कारण थे आडंबर, पाखंड, कर्म कांडों द्वारा दलितों का शोषण करते थे। इस कारणों से दलितों की हालत इतनी दयनीय थी कि पशु भी उनसे बेहतर जीवन जी रहे थे। ऐसे दर्दनाक तथा खौफनाक हालात में संत श्री गुरु रविदास महाराज जी ने जालिम राजाओं को तथा धर्म के ठेकेदारों को विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाया। इन्होंने अपने हम ख्याली विद्वानों तथा रहबरों के साथ मिलकर भारत की चारों दिशाओं में मानवता का प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान उन्होंने दबे कुचले लोगों को, पाखंड आडंबरों को कर्म कांडों से ऊपर उठकर विद्या प्राप्त करके ज्ञानवान होकर अपने समस्या खुद हल करने के लिए कहा। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने गुरुवाणी द्वारा दलितों तथा साधनहीन लोगों को समझाते हुए कहा। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, शिक्षा के बगैर मनुष्य की वृद्धि नहीं हो सकती। मनुष्य की उन्नति रुक गई, काम धंधे कारोबार रुक गए, पैसा आना बंद हो गया, जिससे दलित बर्बाद हो गए तथा गुलाम होते चले गए। गुरुवाणी द्वारा दलितों तथा साधनहीन लोगों को समझाते हुए कहा कि इस जीवन में तुम्हारा कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई ईश्वर देवी देवता तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद का अपना साधन, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रविदास जी महाराज जी ने कभी किसी के आगे झुकने के लिए नहीं कहा और उन्होंने एक ऐसी प्रकाश की लो जगाई जिससे रविदासी समाज और जो जो दलित शोषित वंचित समाज के लोग थे उनके अंदर एक नई क्रांति पैदा हुई। ये थी SM News की रिपोर्ट।